राज्यसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए ये सूची जारी की। किरण चौधरी को हरियाणा से तो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितम्बर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा के उपचुनाव के लिए कुछ नामों पर स्वीकृति दी है। हरमन प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री उनका, मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी उनकी ब्लेसिंग, और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के उनका, और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के हमारे प्रधान जी, और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर और जितने बीजेपी के एमएलए से मान, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान की बात की है आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्थान है जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी निगरानी रखते हैं और उसको सिर उठाने नहीं देते देश के लिए। ये दोनों राजस्थान और पंजाब करता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है, और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की धरती है, और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं तो हमेशा कर्जदार हूँ इनका, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे जो आशीर्वाद, जो मुझे ब्लेसिंग राजस्थान ने दी है, और मैं भी हमेशा इस राजस्थान की पगड़ी को, इस राजस्थान का कल्चर है, इस राजस्थान की जो शहादतें करवानी हैं उसको मेरे आगे सिर झुकता है, और हमेशा इसकी शान में, शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिलफुल जो डल सकेगा वो मैं राजस्थान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं भी, अगर मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफेद चादर है जो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। हरमन प्यार